आज कुछ रिलीजियस वोकैबुलरी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर का मतलब होता है मजहबी किताब, आसमानी किताब, सहीफा। कुरान इज अ स्क्रिप्चर ऑफ मुस्लिम। इट इज रिटन इन क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स दैट दिस एंड दैट। सो स्क्रिप्चर मजहबी किताब, सहीफा। चैप्टर एंड वर्स, जब भी किसी रिलीजियस किताब का रेफरेंस देते हैं तो चैप्टर एंड वर्ड्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है कुरान में, सिपारा नंबर 2 आयत नंबर 3, इट इज रिटन इन कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3, चैप्टर एंड वर्स। तीसरा है रिसाइड। रिसाइड का मतलब है तिलावत करना, कोई भी चीज जबानी पढ़ना, फॉर्मल वर्ड है। वी रिसाइट होली कुरान, आई रिसाइट कुरान। ओके, रिसाइट तिलावत करना, जबानी पढ़ना। सेक्रेड, कुछ लोग इसको सेक्रेड कहते हैं, कुछ लोग सेक्रेड भी कहते हैं। सेक्रेड, सेक्रेड मतलब मुकद्दस, पाक, जिसका कॉमन वर्ड है होली। ओके, कुरान इज अ सेक्रेड बुक, कुरान इज अ सेक्रेड बुक। तो सेक्रेड, पाक। मैसेंजर, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, पैगाम डिलीवर करने वाला, मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला, मैसेंजर। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला। ओके, उसके बाद है डीड। डीड हम कहते हैं कर्म, अमल। वी शुड डू गुड डीड्स। ओके, डीड, अमल। पायस, पायस का मतलब है रिलीजियस, मजहबी शख्स। ही इज पायस, शी इज पायस, पायस। आई रिस्पेक्ट द पायस मैन। ऑलराइट, सो स्क्रिप्चर्स मजहबी किताब और सहीफा। चैप्टर एंड वर्ड्स किसी जो रिलीजियस बुक का रेफरेंस देने के लिए। रिसाइट तिलावत करना। सेक्रेड मुकद्दस, पाक। मैसेंजर पैगाम पहुंचाने वाला। डीड अमल कर्म, और पायस मजहबी मुत्तकी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट एनी रिलीजन, व्हेन वी आर गिविंग एनी रिलीजियस स्पीच और एनी रिलीजियस यू नो पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी हैव टू यूज दीज काइंड ऑफ वोकैबुलरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज मेक सम सेंटेंसेस। थैंक यू।